फेज इंडक्शन मोटर, पॉली फेज इंडक्शन मोटर दोनों एक ही चीज है। कभी कभी हम इसको पॉली फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं और कभी थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो आज मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का परिचय बता रहा हूं। तो यह मोटर एकदम ट्रांसफार्मर के जैसी ही होती है। फर्क इतना होता है कि ट्रांसफार्मर स्थिर रहता है और यह मोटर का एक भाग घूमता है। जो भाग घूमता है उसे रोटर कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में भी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, सेम प्रिंसिपल है यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, कि इस पर भी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है जो कि स्टेटर पर होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो रोटर में होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग यानी स्टेटर पे जो सप्लाई दिया जाता है तीन फेज की, तो इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसकी वजह से जो इसके अंदर रोटर रखा होता है, तो रोटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है रोटर में। तो सेम चीज है जैसा कि ट्रांसफार्मर में है, प्राइमरी से सेकेंडरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और ईएमएफ जनरेट होता है। सेम वैसा यहाँ पर है कि स्टेटर से रोटर में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ट्रांसफार्मर में जो पाथ है मैग्नेटिक पाथ वो है कोर, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक पाथ है वो इसका एयर गैप है। एयर गैप से होते हुए सेकेंडरी पर पहुंचता है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के जैसा ही है। फर्क इतना है कि ट्रांसफार्मर स्थिर रहता है और इस मोटर का एक भाग घूमता है। तो इसका स्टेटर आपका प्राइमरी सेक्शन हो गया जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और रोटर इसका जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इतना आप समझ गए। इसके बाद में हम समझेंगे इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं और इसका एडवांटेज